So hello friends, welcome back to Retro Gaming and I am back with another new video and today's video is going to be the most dangerous Lulubox player gameplay. So please friend, don't miss it and watch till the end of the video. So let's get started friend, and before we started the video, let me introduce myself. My name is Mohammad Hashimuddin and you are watching Retro Gaming. And friends, if you are new here, please make sure to subscribe the channel and press the bell icon to get all the latest notification from Retro Gaming. So let's get started. तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं और यहाँ पे सीन देखिए भाई लोग क्या सीन है। वाह क्या सीन है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो सीन आप लोगों ने देख लिया होगा, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, मैं बताने का जरूरत नहीं समझता भाई लोग। आप लोग शॉट देख के इमेजिन लगा लीजिए अपना ओपोनेंट भाई साहब क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं, और दो दिन से शायद कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया भाई लोग, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ के, और इसका रीज़न मैं बताने वाला हूँ भाई लोग आप लोगों को। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना भाई लोग, तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स आप लोगों को पता लगने वाला है। तो वीडियो पूरा स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स पता लग जाएगा भाई लोग। और यहाँ पे और एक सीन देखिए क्या है। तो यहाँ पे हम लोग भाई लोग फेयर प्लेयर है, हमको पता है भाई लोग यहाँ पे फुल फोर्स कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते हम, नहीं तो फॉल होने के चांसेस है। पर अपना ओपोनेंट भाई साहब पूरा फुल फोर्स के साथ पाक को हिट किया है, पर कोई बात नहीं, चलो हम अपना टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो भाई लोग 4 करोड़ कॉइन बाय किया था, शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा, 4 करोड़ कॉइन बाय किया था। तो सबका सब भाई लोग पूरा लॉस हो गया है, सिर्फ और सिर्फ लुलुबॉक्स और बीट एम और जीजी हैगर की वजह से भाई लोग। तो मैं वही डिसाइड किया है भाई लोग, मैं यूट्यूब छोड़ने वाला हूँ या फिर मैं न्यूयॉर्क और सिंगापुर में कभी नहीं गेम प्ले नहीं करूँगा भाई लोग। अगर आप लोगों को गेम प्ले सीखना है तो प्लीज़ नीचे में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को गेम प्ले सीखना है, और मुंबई एरिना टेबल में भी गेम प्ले मैं करूँगा भाई लोग, अगर आप लोग एग्री हो तो। अगर आप लोग एग्री हो तभी भाई लोग मैं मुंबई एरिना टेबल में गेम प्ले करूँगा, और इस गेम प्ले के बाद आप लोगों को मुंबई एरिना टेबल का ही गेम प्ले देखने को मिलेगा। तो आप लोग नीचे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मुंबई एरिना टेबल का गेम प्ले चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर आप लोगों को बड़ा टेबल का गेम प्ले चाहिए सिंगापुर और न्यूयॉर्क टेबल। तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क टेबल तो भाई लोग मैं कतई नहीं खेलूँगा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू प्ले भाई लोग, एक भी चांस नहीं मिलता है भाई लोग, एक भी स्ट्राइक नहीं आता, सिर्फ ओपोनेंट का स्ट्राइक आता है, ओपोनेंट का चांस है, ओपोनेंट हैक करके बोर्ड को लेके चले जाता है, ओपोनेंट का स्ट्राइक है, स्ट्राइक आए तो ओपोनेंट हमको स्ट्राइक ही नहीं देता है। तो भाई लोग ये गेम प्ले करके क्या फ़ायदा है, यहाँ पे शॉट देखिए, तो यहाँ पे किस शॉट देखिए भाई लोग, परफेक्टली किस शॉट पोर्ट होता है और एक साथ में डबल पॉकेट आके पोर्ट होता है, तो बहुत ही खतरनाक अच्छी बात हो जाता है भाई लोग। और यहाँ पे देखिए अपना ओपोनेंट भाई साहब हंस रहा है, तो यहाँ पे देखिए शायद उनको लग रहा है हमारा ये लास्ट वाला पाक मिस हो जाएगा। तो ये शॉट आप लोग ज़रूर देखना किस तरह से मैं मारूंगा। तो भाई लोग बस वही टॉपिक था आप लोगों को कि आज के बाद भाई लोग न्यूयॉर्क टेबल और सिंगापुर टेबल का गेम प्ले कभी नहीं आएगा अपना चैनल पर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप लोगों से न्यूयॉर्क का टेबल कभी कभी बीच में लेके आने के लिए। तो अगर आप लोग चाहो तो भाई लोग मैं मुंबई एरिना टेबल का गेम प्ले करके वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा। और अगर आप लोग डिसएग्री हो तो प्लीज़ वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई लोग गेम प्ले करना ही नहीं मन करता है भाई लोग, ये कह रहे हम ओपन करना ही, तो ओपन करने को भी मन नहीं लगता है भाई लोग, खाली स्टार्ट करते ही तो भाई लोग लुलुबॉक्स प्लेयर हैकर ये सब वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाता है भाई लोग, अपने को टाइम भी नहीं मिलता है गेम प्ले क्या करूँ। यहाँ पे मुंबई एरिना में देखे भाई लोग दोनों बाइक अपना फेयर प्लेयर अपने को मिलता है। तो आप लोग गेम प्ले पूरा एन्जॉय कीजिए, आप लोगों को पूरा डिटेल्स पता लग जाएगा भाई लोग ये अपना ओपोनेंट फेयर प्लेयर है या फिर लुलुबॉक्स प्लेयर है। तो आप लोगों ने न्यूयॉर्क में भी नोटिस किया होगा, अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो वो वीडियो वो पे आप लोग रिवर्स करके देख लीजिए, और एक बार फिर से आके मुंबई एरिना का टेबल का जो गेम प्ले है वो भी आप लोग ध्यान से देखिए, तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स पता लग जाएगा भाई लोग, ठीक है ना। तो बस आप लोगों से यही टॉपिक बताने वाला था, अगर आप लोग एग्री हो तो मैं मुंबई एरिना टेबल में ही गेम प्ले करके आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा भाई लोग। बोर्ड से कोई मैटर नहीं करता है भाई लोग, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी छोटा टेबल हो या बड़ा टेबल हो, कोई भी टेबल में मैटर नहीं करता है भाई लोग, सिर्फ गेम प्ले पर आप लोग फोकस करना है, आप लोगों को गेम प्ले से मैटर है, आप लोगों से गेम प्ले से संबंध है, मैं किस तरह से गेम प्ले करता हूँ यही आप लोगों को फॉलो करना है, यही आप लोगों को पास ध्यान देना है, और आप लोगों को गेम प्ले सीखना है, बड़ा टेबल में क्या है और छोटा टेबल में क्या है भाई लोग,
ये कुछ भी नहीं है, शायद आप लोगों को पता ही होगा। बड़ा टेबल में क्या है भाई लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हैकर और लुलुबॉक्स प्लेयर ही आते हैं, और छोटा टेबल में भाई लोग फेयर प्लेयर ही आते हैं, इसीलिए खेलने को भी मज़ा लगता है, अच्छा लगता है। क्या बताओ भाई लोग आप लोगों को, वहाँ पे टर्न ही नहीं मिलता है हमें। अगर टर्न नहीं मिलेगा भाई लोग तो हम कैसे गेम प्ले करेंगे? अगर सिर्फ ओपोनेंट का ही टर्न रहेगा तो हम कैसे गेम प्ले करेंगे? हमारे पास स्ट्राइक आना ही पड़ेगा ना भाई लोग। अगर हमारे पास स्ट्राइक नहीं आएगा तो हम कैसे गेम प्ले करेंगे? ये बिल्कुल ही नाइन सा भी है ना भाई लोग, ये मिनी क्लिप तो कभी सुधरेंगे नहीं, और लुलुबॉक्स और हैकर को भी इन लोग बाहर नहीं निकलेगा, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में बस आप लोगों से इतना ही बोलने वाला था भाई लोग। अगर आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ ही आया होगा, और यहाँ पे ये शॉट आप लोग ध्यान से देखिए मैं किस तरह से मारा हो भाई लोग, ये शॉट आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए, और चाहो तो अगर आप लोग एक बार और रिवर्स करके भी देख लीजिए। तो इस वीडियो में बस आप लोगों से इतना ही बोलने वाला था, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा भाई लोग। तो मिलते हैं भाई लोग आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन ऑलवेज स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एवरीबॉडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो ये बोर्ड आप लोग देखिए भाई लोग, ये एकदम ही भाई लोग फेयर प्लेयर है अपना ओपोनेंट भाई साहब, एकदम ही फेयर प्लेयर है। आप लोग गेम प्ले को पूरा ध्यान से देखिए। चलो कोई बात नहीं भाई लोग, इस गेम प्ले को आप लोगों से टॉपिक से कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे अपना ओपोनेंट भाई साहब ने मिस कर दिया है, और आप हमें देखना है किस तरह से गेम प्ले करना है भाई लोग। तो सबसे पहले बीच वाले पक को ले लेंगे, और यहाँ पे हमें थोड़ा क्रॉस कट मारते हुए बीच को ओपन करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एकदम फोर्स के साथ मारेंगे, तो चलो यहाँ पे परफेक्टली दो पक पोट हो चुका है, और यहाँ पे हमें ऊपर वाले पक को पहले मारना है भाई लोग ताकि बाद में ये फंस ना जाए। तो चलो ये पोट हो चुका है, और अब हमें नीचे वाले पाक को मार देना है, ये भी एकदम बैलेंस के साथ मारना है, कम पावर यूज़ करके ताकि ये भी मिस ना हो जाए। चलो ये पोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमें इसे काट मारते हुए बीच वाले पाक को कुछ इस तरीके से रिलीज़ करना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा फोर्स के साथ मारा है, पर यहाँ पे कुछ होता नहीं है भाई लोग, ज़रा सा धक्का लग जाता है अपना पाक को। और यहाँ पे मैं किस तरह से भाई लोग देखो ब्रश शॉट मारता हूँ भाई लोग, ये शॉट आप लोगों को पसंद है तो भाई लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके भाई लोग आप लोगों के लिए इस तरह का गेम प्ले मैं लाता हूँ। आई होप आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटा भाई को थोड़ा सपोर्ट कर लेना। तो इन दिस वीडियो अप टू दिस मैच आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा भाई लोग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एवरीबॉडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो भाई लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज स्टे सेफ एंड अस्सलाम वालेकुम भाई लोग।